नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको औषधियों से संबंधित जानकारी मिलती है, घरेलू उपचारों के बारे में आपको बताया जाता है और साथ ही साथ अपने रोगों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे निरोगी रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम अपने जीवन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, कामों का बोझ हमें इतना पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं हम आने वाली परिस्थितियों के बारे में सोचते भी नहीं हैं और जब रोग हमें घेर लेते हैं तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता, परेशानियों का सबब दिन पर दिन बढ़ चढ़ के बोलता है। ये सारी दिक्कतें आपके साथ ना हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यदि अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना तो ख्याल रख ही पाएंगे, साथ ही साथ अपने परिवार को भी आप सकुशल रखने में कामयाब सिद्ध होंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में अक्सर आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो अक्सर आपके लिए सटीक आप ही के लिए होती है जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होते हैं। यानी हर रोज़ कई प्रकार के रोगों पर चर्चा होती है और उनके अनेकों उपचार आपको बताए जाते हैं, लेकिन जो भी दर्शक इन कार्यक्रमों को देख रहे होते हैं वो रोग किसी ना किसी रोगी को होता है और वो जब उनको लिख लेते हैं तो उनके लिए वो रामबाण उपचार का काम करता है। इसीलिए हम आप सभी को ये अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें ताकि जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ वो नुस्खे आपसे चूक ना जाए। कौन सा नुस्खा, कौन सा रोग आपको है ये आपको पता लगाना है और उसका क्या उपचार होगा वो तब होगा संभव जब आप उसको लिख लेंगे। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने अगले विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के संक में हम बात करेंगे लू। लू मतलब जो एक तरह से गर्मियों के समय में जो गर्म हवा के थपेड़े पड़ते हैं, जो एक तेज़ हवा चलती है, वो हवा इस कदर घातक होती है कि यदि सही समय पर ध्यान ना दिया गया तो कभी कभी वो जानलेवा भी हो जाती है, पूरा शरीर तोड़ने में बिल्कुल कारगर साबित होती है लू। ऐसे में जब लू लग जाती है, सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगा कि आखिर लू से बचा कैसे जा सके, लेकिन यदि लू लग भी जाती है तब उसका क्या हम उपचार कर सकते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। गर्म ऋतु जब आती है और सर्द ऋतु स्टार्ट होती है तब तक भी लू लगती है। जब आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में आप पानी के ऊपर ध्यान नहीं देते, प्यास को दबाते हैं, पसीना शरीर से खूब निकल रहा है परंतु पानी का आपके पास सुविधा नहीं है कि जिससे आप प्यास बुझा सकें, तो इसमें पानी की कमी से अंदर जाके खून के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उससे हमें लूज मोशन भी लगता है, चक्कर भी आते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पहलवान भी कहीं भी गिर जाते हैं, ये लू के अंदर बड़ी विशेषता। ऐसे तो लू से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि यदि आप सफ़र कर रहे हैं, आप अपनी जेब में या कपड़े में, बाजू में प्याज बांध लेते हैं तो आप जितना मर्जी सफ़र करें आपको लू नहीं लगेगी, सबसे अच्छा घरेलू इलाज है। परंतु जब लू लग गई है तो उसके लिए गाय के दूध का मट्ठा लें चाहे दही लें, उसमें पानी मिला के आप पीते जाइए। दही और मट्ठा, गाय का दूध तो अमृत के समान है,
परंतु ऐसे आप सोयाबीन का दूध बना के भी मट्ठा लस्सी बना के पी सकते हैं, भैंस का पी सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा लाभकारी जो है बकरी का और गाय का दूध है। अब जब किसी को लू लग गई तो आप 100-100 ग्राम 50 ग्राम मट्ठा और 50 ग्राम उसमें पानी मिला दें और रोगी को पिलाएं। पानी के जो लस्सी आपने बनाई पानी मिला के, इसमें आप या तो कुजा मिश्री मिला सकते हैं या नमक मिला सकते हैं। इसको देंगे तो अंदर से जो आपकी कमी है पानी की वो ऐसे पूरी होगी जैसे किसी स्रोत से पानी आ रहा है और आप गड्ढा बना के उस पानी को रोक लेते हैं, गड्ढा भर जाता है तो वहाँ से पानी का बर्तन आप बड़े आराम से भर सकते हैं। ऐसे लस्सी अंदर जाके पानी की कमी को पूरा करती है। और लस्सी के अंदर के गुण हैं कि बात को और वायु को दोनों को ऐसे कंट्रोल करती है जैसे ड्राइवर भागती हुई गाड़ी को ब्रेक लगा के जहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर सकता है। ऐसे लस्सी हर एक किस्म की अंदर की कमजोरी को समाप्त करती है। और लस्सी एक पचा पचाया भोजन है आपका, हर एक चीज़ को पचाने के लिए लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को काम करना पड़ेगा, परंतु लस्सी अंदर जाके जो आपका अंदर खून बनेगा वो सीधा आपकी पैंक्री को पहुंच जाएगा, जाके इसमें किसी भी अंग के अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी। अब लस्सी चाहे आपको लू लगी चाहे ना लगी है, यदि आप गर्मी के मौसम में 4-5 बार लस्सी दिन में पी लेते हैं तो आप धूप में जितना मर्जी काम करें आपको लू नहीं लगेगी। परंतु लू लगने के बाद रोगी को लस्सी तो आप जितनी मर्जी पिला दें, हरी सब्जियां छिलके वाली सूप बना के जितनी मर्जी पिला दें, परंतु इसमें दाल और गेहूं की रोटी का परहेज रखना पड़ेगा। चने भी भून करके पीस के सत्तू बना के लस्सी में घोल के दे सकते हैं, वो भी आपको लाभ करेंगे। परंतु गेहूं जो है ये पेट में जाके ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। अब पूरे संसार में गेहूं का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा होना चाहिए बाजरे का, मक्के का, मूंग का, मोठ का और चने का। और इसके साथ जौ, जौ के अंदर की विशेषता है यदि नियम से रात को जौ को आप पानी में भगोते हैं और सुबह उसको उबाल करके उस पानी को पीते हैं तो पित्ते की, गुर्दे की पत्थरी को जौ ऐसे काटते हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान काटता है। तो लू से बचने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, पेट के रोगों को समाप्त करने के लिए जौ, चना, मूंग, मोठ ये एक किस्म का अमृत का काम करते हैं जी। और हमेशा सफ़र में प्याज यदि आपकी जेब के अंदर है तो आप जितना मर्जी सफ़र करें आपको कभी भी लू का असर नहीं पड़ेगा। मेरा नाम सोमदेव है, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। 2010 में मेरे को बुखार आ गया था तो मैं एलोपैथी दवाई खाता रहा, ठीक नहीं हुआ इससे। फिर टीवी में इनका प्रोग्राम मैंने देखा तो मैं यहाँ पर गुरु जी के आश्रम में आया तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की, कहने लगा आपका नजरा जमा हुआ है
दवाई करोगे ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने इनकी दवाई पे भी पूर्ण रूप से विश्वास करके खाता रहा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्होंने दोबारा नाड़ी परीक्षण लिया मेरा, मेरे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मेरा नाम गुरसुरिंदरजीत सिंह है, संगरूर का रहने वाला हूँ। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी 1.5 साल पहले की, दोनों टांगों में दर्द शुरू हो गया था। एलोपैथी के डॉक्टरों को चेकअप करवाया, एक्सरे वगैरह किए, उन्होंने रिपोर्टें वगैरह ली तो वो बोलते थे कि ऑपरेशन ही इसका समाधान है। मैं बाथरूम तक भी नहीं जा सकता था जी। मैंने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देख करके यहाँ पता किया, आकर के दवा ली। 1 महीने की दवा खाने के बाद मेरे को 70% आराम है। उस दवा से मेरे को पहले 15 दिन में 20-25% फर्क पड़ गया था। 15 दिन की दवा दोबारा ली तो अब 60% से ऊपर ठीक होंगे। अगला सवाल हमें भेजा है, नीलिमा अरोड़ा जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है दिल्ली से। उम्र इनकी है 47 वर्ष की उम्र है और इन्होंने अपना सवाल लिखा है कि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि घुटनों में से जब भी ये चलती हैं या जिसे उठना या बैठना होता है, बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं है लेकिन कटकटाने की आवाज़ आती है, जैसे चटक रहा हो घुटना। ये जानना चाहती हैं क्या ये केवल किसी हड्डी के प्रॉब्लम हो सकती है या क्या बड़ी समस्या बन सकती है, बस एक बार ये सलाह लेना चाहती हैं। देखिए, घुटनों में जो आवाज़ आती है जब खड़े खड़े पानी पीते हैं और नज़ला आपका खून के साथ जाके घुटने पे रुक जाता तो हड्डी का रूप धारण कर लेता है। और जब भी उठते बैठते हैं तो इसमें जैसे लकड़ी तोड़ते हैं ऐसे कड़क कड़क आवाज़ आती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ और जिस दिन आश्रम आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लच्ची मुँह में रख कर चूसते रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई खाते हैं, मालिश करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन उसमें 10 से 15% की कमी आ जाएगी और 1 महीने में आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। बिल्कुल। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ, जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, आप ये बताएं क्या सवाल है आपका? गुरु जी सुन रहे हैं आपको, बताइए। पानी पीते हैं, पेट में पानी भर जाता है और पानी की समस्या इनके है पेट में। देखिए, जब किसी का लीवर पूरा काम नहीं करता और गुर्दों के अंदर एक किस्म का मकड़ी जैसा जाला बन जाता है तो वो साफ टट्टी खून लग करने में असमर्थ हो जाते हैं तो पानी पेट में रुकता है, उसको हम पांडु रोग बोलते हैं। मेडिकल में तो सुइयों से पेट से पानी निकाला जाता है, परंतु यहाँ पे सुई का चीर फाड़ का कोई काम नहीं है, यहाँ दवाइयों से ही पानी निकाला जाता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी लैची मुँह में रख कर चूसती रहें, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, ये दवाइयाँ लेंगे तो उसी दिन आपके पानी बढ़ने की जो क्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और जो पेट में पानी है ये भी 2-3 दिन में बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है पल्लवी जी ने गुजरात से और बता रही हैं,
इनके चेहरे पर बता रहे हैं कि एक साल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। अब ये पता नहीं चल रहा है किस वजह से साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। चेहरे पर जो चेहरे की खाल है, चेहरा और गर्दन की, वो डार्क हो गई है और वो उखड़ रही है, जैसे सूखी पपड़ी निकलती है इस तरीके से वो जो चमड़ी है वो निकल रही है। तो जानना चाहते हैं आखिर ये किस तरीके से हो सकता है। देखिए, आपने मेडिकल की जो क्रीमें हैं इनका प्रयोग अधिक किया है, जो इसके अंदर केमिकल होता है इनका साइड इफ़ेक्ट है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को जब आप लेंगे और इस तेल की मालिश करेंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन आपके चेहरे पे काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा। कम से कम 10% तो जरूर आएगा। 15 दिन में आपको 50-60% का परिवर्तन आएगा। महीने सवा महीने में आपका चेहरा बिल्कुल जैसे गुलाब की कली में चमक होती है ऐसे चमक आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है दिगंबर भंडारी जी हैं उत्तराखंड से, और इन्होंने एक गंभीर समस्या लिखी है। 4th स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया है, और डॉक्टर्स ने हालांकि इस बारे में भी अंदेशा दिया है कि शायद ये ठीक ना हो पाए, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। तो ये बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। देखिए, मेडिकल साइंस में कैंसर क्या किसी भी रोग की दवाई नहीं है। जहाँ पे रोग होता उस अंग को सुन कर दिया जाता है ताकि रोगी सोचे कि मैं ठीक हो गया। ठीक नहीं होते, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें आपके खून में है, हड्डी में है, किसी जख्म पे है, जहाँ भी कैंसर होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे ये साइड इफ़ेक्ट है। दवाई दी जाएगी या दवाई आप खाते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन आपके कैंसर में कम से कम 10% की कमी ज़रूर आएगी और महीने डेढ़ महीने में कैंसर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे जिसके फेफड़े में कैंसर था, किसी के दिल में कैंसर था, किसी के गुर्दे में कैंसर था, किसी की हड्डी में कैंसर था, किसी के खून में कैंसर था, परंतु यहाँ पे हर किस्म के कैंसर को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर। बिल्कुल गुरुजी, और समय का भी अभाव है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और दर्शक हैं, चलते चलते उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी, क्या आप सीधा अपना सवाल बताइए। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। आप हकलाते हैं? देखो बेटा, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में आपके हकलाने में कम से कम 25-30% की कमी आएगी।
डेढ़ दो महीने में आपका हकलाना बिल्कुल टोटली बंद होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बोलेंगे, आपकी जुबान कभी भी रुकेगी नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको जो भी सलाह दी गई है उस पर आप अमल कर सकते हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम के विषय में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, नियम परहेजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का समय है 10:00 से शाम के 5:00 के बीच में। और दर्शकों, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे जो कार्यक्रम जो रोज़ाना हम आपके लिए लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर जरूर करें। और अब वक्त तो चला है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में, नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।